हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम 6 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें ईडीएस का सेक्शन को कवर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक समूह का चयन कीजिए जिसमें हमारे देश का एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। अगर हम यूटी की बात करें, यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ सभी मेंशन किए गए हैं और आपको ये देखना है कि इनमें से एक स्टेट होना चाहिए और एक यूटी होना चाहिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, मणिपुर एंड जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर तो आपका यूटी है, लेकिन मणिपुर आपका यूटी नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेट है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के तीन तटीय राज्य कौन कौन से, यानी कोस्टल स्टेट की बात कर रहा है। अगर कोस्टल स्टेट की बात करें तो कुछ कोस्टल स्टेट अरेबियन सागर से लगे होते हैं और कुछ कोस्टल स्टेट बे ऑफ बंगाल से लगे होते हैं। तो यहाँ सभी मेंशन किए गए हैं। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। तो वहां आप देखेंगे कि तमिलनाडु भी आपका कोस्टल स्टेट है, महाराष्ट्र भी कोस्टल स्टेट है और उड़ीसा भी आपका कोस्टल स्टेट है, यानी इस वजह से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्य प्रदेश के तीन पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पांच पड़ोसी राज्य आपको देखने को मिलेंगे, यानी जिससे मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो शेयर हुई है। पहला आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, दूसरा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। पांच ही राज्य आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पहला ही सही हो जाएगा, यानी इन तीनों की ही सीमाएं मध्य प्रदेश से मिली हुई हैं। ये तीनों ही मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दिया गया है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन और स्पीड वाले क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका घर एक्स में स्थित है और आपका स्कूल वाई में। एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है, इस वजह से स्कूल तक पहुंचने के लिए आप पहले पश्चिम की ओर 200 मीटर तक चलते हैं, फिर 80 मीटर लंबे मेट्रो को पार करते हैं उत्तर की ओर, यानी कि जो उत्तर की ओर है, और अंत में अपने स्कूल तक पहुंचते हैं जो 200 मीटर पूर्व में है। तो आपके स्कूल के संबंध में आपका घर किस डायरेक्शन में होगा और उसकी डिस्टेंस क्या होगी। सिंपली ये पूछा गया है कि एक्स आपका घर है और वाई आपका स्कूल है, बीच से आप नहीं जा सकते डायरेक्ट क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो आप पहले वेस्ट में जाते हैं 200 मीटर, फिर उसके बाद नॉर्थ में जाते हैं 80 मीटर, फिर 200 मीटर ईस्ट में जाते हैं। अब वाई की रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो वाई की रिस्पेक्ट में अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो यहाँ कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, दोनों के बीच की दूरी तो 80 मीटर यानी 80 मीटर हो जाएगी और ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी साउथ, यानी 80 मीटर साउथ। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका झूम खेती से रिलेटेड है। जो झूम खेती होती है वो बेसिकली आपको नॉर्थ और ईस्ट एरियाज में देखने को मिलेगी। तो यहाँ कह रहा है कि झूम खेती जो होती है उसका अभ्यास किसकी पहाड़ियों पर जंगल के लोगों द्वारा किया जाता है, यानी स्टेट आपको बताने हैं। तो ये आप झूम खेती देख रहे हैं, इसमें बेसिकली होता क्या है कि खेत को कई सालों तक छोड़ दिए जाते हैं, उसमें जंगल उगाता है, यानी बांस वांस कुछ झाड़ियां उगाती हैं उनको काट के जला दिया जाता है और राख जो होती है वही पड़ी रह जाती है खेत में, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। इसको खोद दिया जाता है और यहाँ बीज छिड़क दी जाती है, ये होती है झूम खेती, यानी काटो और जलाओ जलाओ खेती। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, यहाँ आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको मिजोरम देखने को मिलेगा, इस वजह से सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे देश में पाए जाने वाले सबसे आम पक्षियों की एक जोड़ी का चयन कीजिए जिनकी दृष्टि बहुत ही ज्यादा अच्छी है और हमारी तुलना में चीजों को 4 गुना अधिक देख सकते हैं, यानी अगर हम किसी चीज को 10 किलोमीटर दूर से, 10 किलोमीटर तो नहीं देख पा रहे हैं, यानी अगर हम 4 किलोमीटर दूर से किसी चीज को देख पा रहे हैं तो वो आपके अगर 8 किलोमीटर पे है तो वो देख लेंगे, यानी हमसे 4 गुना अधिक चीजों को वो देख पाते ही क्लियरली। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चील और बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से मच्छर के कारण फैलने वाली दो बीमारियों के समूह को आपको सिलेक्ट करना है। पहले बात करते हैं हैजा और टाइफाइड। गैस जो हैजा और टाइफाइड होता है वो दूषित पानी की वजह से होता है, मच्छर के कारण से नहीं। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है लेकिन हैजा नहीं। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है लेकिन टाइफाइड नहीं, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया ये दोनों ही मच्छर के काटने से होते हैं, यानी यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 6 फरवरी 2023 का सीटेट का क्वेश्चन पेपर है। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, कैसे मिलेगी ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी।
इस क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नक्शे के एक कोने पर निम्नलिखित पैमाना मुद्रित किया गया, यानी स्केल पर 1 सेंटीमीटर 960 मीटर को दर्शाता है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 39.8 सेंटीमीटर है तो दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 960 मीटर। मेजर डिस्टेंस कितनी है, 39.8 सेंटीमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस में क्या करेंगे, हम इसका इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 38 किलोमीटर 208 मीटर। लेकिन हमें अप्रोक्सीमेटली यानी अप्रोक्स लगभग डिस्टेंस को बताना है, तो यहाँ 38 किलोमीटर सही हो जाएगा, यानी जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र की एक लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घर का निम्नलिखित विवरण दिया। उसने कहा कि हमारे स्थान पर बारिश बहुत होती है और बर्फबारी भी होती है। जब बहुत ठंड होती है तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। हमारे घर पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं और हमारे घर की जो छतें होती हैं वो ढलान वाली होती हैं। तो आपको ये बताना है कि यह राज्य कौन सा है। तो गाइस आप इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी भी होती है, बारिश भी होती है, और यहाँ आप जितनी भी छतें देखने को मिलेंगी, आप ये फिगर में भी देख रहे होंगे, सभी ढालूदार छतें हैं और लकड़ी या पत्थर की बनी होती हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डल झील के बारे में है, यानी जो आप डल झील के बारे में पढ़ते हैं, जो न्यूज आती है उसके बारे में है। कह रहा है कि डल झील हमारे देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। बिल्कुल सही बात है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं। इन्हें शिकारे में बैठना और चप्पू चलाना भी पसंद है। तो बताइए यह झील कहाँ स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं ये डल झील है। डल झील जो है बेसिकली आपको श्रीनगर में देखने को मिलेगी। अगर इसके एरिया की बात करें कि कितने किलोमीटर में फैली हुई है, तो ये 26 किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ आपको शिकारा नाव भी देखने को मिलेगी, हाउस बोट भी देखने को मिलेगी और झील के बाजार भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, श्रीनगर की। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मच्छर अक्सर हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप अंधेरे में बैठे रहते हैं तब भी आपको मच्छर काटते रहते हैं। तो पूछ रहा है कि इसका रीजन क्या है। तो इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि हमारे पैरों के तलवों की जो गंध होती है और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उससे मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सॉरी यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबरिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि खेजड़ी के पेड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो मुख्य रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी खेजड़ी के पेड़ होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। पहला कह रहा है यह पेड़ बिना ज्यादा पानी के भी बढ़ सकता है। एकदम सही है। यह पेड़ बहुत उपयोगी है क्योंकि इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने के लिए भी किया जाता है और लोग इसके फल खाना पसंद करते हैं। ये भी सही हो जाएगा। यह छायादार वृक्ष नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ कह रहा है इसमें जानवर इस पेड़ की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा, यानी ए बी डी सही है और ए बी डी थर्ड में दिया है तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली खेजड़ी का पेड़ है, आपने सुना होगा अपने आसपास के एरियाज में। समी का पेड़, समी के पेड़ को ही राजस्थान में कहते हैं खेजड़ी का पेड़, और ये स्टेट ट्री है राजस्थान का। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री कौन सा है, ये आपको देखने को मिलेगा अशोक का पेड़। लेकिन अगर राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ खेजड़ी को स्टेट ट्री माना जाता है और समी को ही खेजड़ी का वृक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड। डिस्टेंस आपको दी गई है, टाइम से रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है जिससे आपको टाइम को कैलकुलेट करना है, और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए, सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से रीड कर सकते हैं क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन 6 फरवरी 2023 के सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी जो क्लासेस हैं वो एग्जाम तक डेली चलने वाली हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।